जी अस्सलाम वालेकुम, आप सारे ठीक ठाक हैं, मज़े में। हमारा रूम बड़ी ही अच्छी जगह पे हमें मिल गया और बिल्कुल सामने ये ब्लर है बोर्ड, ये जो ब्लू बोर्ड है ये पाइपलाइन ट्रैक है। और सुबह सुबह बारिश हुई है, फजर की नमाज के बाद रेनकोट वगैरह मैंने पहन लिया, अम्ब्रेला से तो बहुत बेहतर है ये, और क्योंकि ये पूरा होता है नीचे तक, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अब निकलने वाले हैं पाइपलाइन ट्रैक की तरफ, जो अगर मैंने इसलिए खुद नहीं पहने कि वो गीले हो जाएंगे, तो बहरहाल निकलते हैं ट्रैक की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं उधर की जो क्या खूबसूरतियाँ हैं। ब्लॉक कर लेते हैं, बड़ा ही ठंडा ठंडा मौसम है, ऑलमोस्ट 15-16 डिग्री है और बड़े ही मज़े का मौसम है। शुक्र है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, फेवरेबल टाइप का जो है मौसम है इस टाइम। सुबह सुबह का टाइम है और ये बस ये दरवाज़ा भी हमने ही खुलवाया, सब सो रहे हैं, सारी दुनिया इस टाइम जो है वो सो रही है। ये डोंगर गली का लोगो लगा हुआ है तिरंगा, और बिल्कुल सामने जो राइट पर ट्रैक है यमुनापुरी का है जो ऊपर जाता है। दुकानें वगैरह सारी बंद हैं अभी, देखिए सारी रात यहाँ समयों से मिल लेंगे, कारोबार चलता है, कॉफ़ी बंद है, आइसक्रीम बंद है, सब कुछ बंद है अभी कुछ टाइम तक, जो है शॉप्स वगैरह ओपन होंगी। ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, शंगरीला की याद दिला रहा था, जो रेड कलर का होटल है। और ये रास्ता है पाइपलाइन ट्रैक का, और ये व्यू इस तरह का कुछ है इस टाइम। बारिश होकर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप कह नहीं सकते, बारिश किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो ये ट्रैक है, ऐसी एक दुकान खुली हुई नज़र आई है मुझे अभी तक, अंकल जी स्टार्ट हो गया लग रहा है, बिस्मिल्लाह कर लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, रास्ते वास्ते तैयार हो रहे हैं। ये कुछ बोर्ड लगा हुआ इधर इस टाइम का, वेलकम यूपिया, आधा मिटा हुआ है फॉरेस्ट पीपल, जॉइन अस टू सेव वाइल्ड लाइफ। ये अच्छा है, पाकिस्तानी क्या वाइल्ड लाइफ बचाएंगे ये लोग, जो कि गंद नहीं बचा सकते, जहाँ जाते हैं गंद करते हैं। ये कुछ यहाँ पे हिदायत लगी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये इसकी एटीट्यूड एटीट्यूड वगैरह लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि मैमल्स जो अयूबिया नेशनल पार्क में हो सकते हैं, यह है इस एरिया को बोलते हैं एक्चुअली। हम मुशपुरी गए थे, वहाँ भी ये सेम बोर्ड लगा हुआ था, तो बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये चीज़ ना मिले बस हमें रास्ते में कहीं, क्योंकि ये लाइव है, बंदर वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अल्लाह करे बाकी किसी ख़तरनाक चीज़ से हमारा सामना ना हो। खूबसूरत जगह है, और ये यहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, बड़ा ही नेचुरल किस्म का ट्रैक है, सुकून का एरिया, और नथिया गली से ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक, क्योंकि नथिया गली हम लोग रात गए और वहाँ इंतहा की पोल्यूशन थी, रश बहुत ज़्यादा था, और इस एरिया में रात ये है कि हमें सुकून की नींद भी आई है और मज़ा भी आया। इवन तो पाइपलाइन ट्रैक है, कई लोग इसको जानते हैं, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मरी के एरियाज का फॉन्ड ऑफ नहीं रहा, तो मैं मरी के एरियाज बहुत ज़्यादा नहीं फिरा हुआ, लेकिन विद इन दिन अजियर काफ़ी एरियाज में फिर चुका हूँ, और जैसे कल हम लोग मुशपुरी टॉप गए, तो आज फिर इधर भी जाना था हम लोगों ने। ये कुछ मेडिकल प्लांट्स हैं जो के बता रहे हैं, अखरोट है जिसमें बूटी समथिंग बर्मी, इस तरह से कुछ मशहूरियाँ वगैरह भी होगा एडवर्टीजमेंट्स। और सबसे जो मज़े की बात है वो है ये खूबसूरत व्यू, जो कि बड़ा ही आपको कभी कभी ऐसे ही लगता है कि नकली नकली है।
तो ट्राई ऐसे आप लोग किया करें कि उन एरियाज को भी एक्सप्लोर करें जिनमें लोग कम जाते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं पाकिस्तानी कि जिस जगह पर सारी दुनिया भाग रही है या पाकिस्तानी भाग रहे हैं, हम लोग उधर ही जाते हैं। और हकीकत बात यह है कि कुछ जगह जो है ना उनकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई भी होती है। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं हमें पोल्यूशन मिलती है, हमें गंद मिलता है, बैठने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, तो वो चीज़ें उल्टा हमें तंग करती हैं। तो इनकी भी ये कुछ एंट्री टिकट्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ डिवीज़न एबटाबाद, 20-20 रुपीज़ टिकट्स हैं। और ये इस टाइम अपना दफ्तर बंद करके चले गए, तो लेट्स सी कि हम आगे जा पाते हैं या नहीं। सीनियर शॉप है ये, बंद आई थिंक इस टाइम। अच्छा, ये इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है वैसे, फूड गार्बेज हेयर, ताकि ये जगह साफ रहे। और ज़रा डिफरेंट टाइप का बनाया हुआ है। बारिश शुरू हो चुकी है और ये जंगलात भी शुरू हो गए हैं। आयतुल कुर्सी हमें पढ़ लेनी चाहिए, सीधी सी बात है, ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें और बल्कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर सकें। तो ये इस तरह से ट्रैक है, बड़ा ही खूबसूरत, वीडियोज़ वगैरह में तो देखा हुआ था मैंने, लेकिन यहाँ पे आया तो इसकी वाइब एक अलग ही फील हो रही है इस टाइम। मुझे बारिश शुरू हो गई है तो रेनकोट अब जो है वो बड़ा अच्छा फ़ायदा करने वाला है। मज़े की बात यह है कि सुबह सुबह का टाइम है और इस ट्रैक पे कोई भी मौजूद नहीं है। ट्रैक तो पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बीच में इस तरह से जो है एक दरवाज़ा लगा हुआ जाने का, और ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लग रही है जो अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं दरख्तों पर। और ये बादल दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, बादलों का व्यू भी आपको करवाते हैं किसी बेहतर जगह से जहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा हो क्लियरली। ये वाली जगह मेरे ख्याल में अच्छी रहेगी। वाह सुभानअल्लाह, क्या बात है। ये अच्छी बात है कि इस ट्रैक पे कोई गवर्नमेंट ने या वाइल्ड लाइफ वालों ने कुछ खर्चे किए हैं और शेड्स लगा दिए। मुश्किल जाने के टाइम पे कुछ भी नहीं है, वॉशरूम्स भी नहीं है और किसी किस्म के कोई भी शेड नहीं है, इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है बैठने की या किसी किस्म की भी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जितनी दफ़ा सुभानअल्लाह पढ़े उतनी दफ़ा कम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और मौसम मैटर करता है एक्चुअली। मौसम अच्छा हो तो आप लोगों को मुल्तान भी अच्छा लगेगा। इस तरह से वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं, बस अल्लाह करे कि तूफ़ानी बारिश में स्टार्ट हो जाए, बाकी क्या है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ शुरू होने वाली है। अल्लाह का नाम लेके हम निकल आए हैं, बस अल्लाह खैर ही करे। ये जी 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ फॉलिंग स्टोन्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ बीवेयर ऑफ फॉलिंग स्टोन्स तो वहाँ आपने बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, यही जो है वो समझदारी है। इस तरह से बादल पीछे से और ये क्लाउड्स हैं और आप फील करें आप बादलों के अंदर हैं उस टाइम। तो भाई ऐसा है कि मैंने सोचा कि सुबह सुबह जो है वो ज़रा मॉर्निंग वॉक नहीं मॉर्निंग जॉगिंग हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ा ही वेल मेंटेन्ड और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक बनाया हुआ कि आप जितनी देर मर्जी चलते रहें आपको इस पे थकावट नहीं होने वाली। जैसे हम मुशपुरी पे काफ़ी थक रहे थे और हर 2-5 मिनट के बाद हमें सांस चढ़ रहा था, तो इन्होंने हर मेरे ख्याल में कुछ 20-50-100 कदम के बाद जो है ना एक बेंच लगाया हुआ है कि अगर आपने बैठना तो आप बैठ सकते हैं। और बड़ा ही सेफ़ है, सारी ये तारें लगी हुई हैं तो बड़ी ही मजबूती से लगी हुई हैं। और इसका सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बुज़ुर्ग यहाँ पे बच्चे कोई भी आ सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है।
अच्छा भाई, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनाई है। मैं चाइना बॉर्डर तक गया, स्कर्दू गया, गिलगित गया, डिफरेंट लेक्स देखी, नरान कगान, इधर उधर सारे एरियाज मैक्सिमम मैं फिर चुका हूँ जो कि वर्थ इट हैं और जो कि नहीं भी हैं। तो कहने की बात यह है कि जो मैं समझता हूँ ना कि आपकी नज़र में भी खूबसूरती होनी चाहिए, कि आपकी जो नज़र है, आपकी जो आँखें हैं, वो भी खूबसूरत चीज़ें देखती हैं और मानती हूँ कि चीज़ें खूबसूरत हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो नेचर लवर नहीं होते, तो उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होती इन जगह पे, मैंने देखा है। तो जो बंदा नेचर लवर है ना, नेचर से करीब है, नेचर का मदा है, तो उसको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। वो जिधर भी चला जाए, वो इन एरियाज़ में जितनी दफ़ा भी आ जाए, उनको या उसको ये जगह बहुत पसंद आएगी और उसको हर जगह पे ना एक अलग ही ब्यूटी नज़र आएगी। मतलब क्या है, क्या 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 कौन सी जगह मैंने देख ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं इस पाइपलाइन ट्रैक पे आया हूँ तो मुझे कई चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। जैसे ये दरख्त हैं, ये व्यूज़ हैं डिफरेंट, और मेंटेन बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप भी अपने आप को नेचर से करीब करें, नेचर से लगाव कर लगाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें और एक्सप्लोर करें चीज़ें, बहुत ही मज़ा आएगा। नेचर से दोस्ती कर लें। इन शॉर्ट ये वाला ट्रैक जो है ऑलमोस्ट 3.5 से 4 किलोमीटर तक का है, तो पूरा तो मैंने नहीं किया क्योंकि कल मुशपुरी के लिए हम काफ़ी चले और नीचे भी आए। मकसद था कि पाइपलाइन ट्रैक जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए कि किस तरह से हैं और किस तरह का ट्रैक ये है और किस तरह से मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही खूबसूरत सारी चीज़ें हैं। अभी भी दुनिया नहीं उठी, मैं वापसी के सफ़र पे हूँ और सब कुछ इस टाइम सुनसान है। अगेन ये ऑफिस भी बंद है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैकिंग करना। तो नाश्ते का टाइम भी होने वाला है और अब बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता पॉइंट देखते हैं और नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी आगे इंशाल्लाह हमारे 4 से 5 दिन रहते हैं, तो देखते हैं कि उनमें क्या प्लान्स हैं और उनमें हम क्या करने वाले हैं आगे।